नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे ऑर्थराइटिस के बारे में, मींस जॉइंट पेन या जोड़ों का दर्द। ये क्यों होता है, इसके क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। साथ ही साथ मैं आपको होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताऊँगी। इसके दो बहुत ही अच्छे होम्योपैथी कॉम्बिनेशन हैं दोस्तों, लेकिन आज हम सिर्फ एक कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और ये कॉम्बिनेशन बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों आपके जॉइंट पेन में रिलीफ दिलाने के लिए। साथ ही साथ हम इसके प्रिवेंशन के बारे में जानेंगे, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अर्थराइटिस क्या है दोस्तों? यदि हमारे जोड़ों में इंफ्लामेशन हो जाए या सूजन हो जाए तो उसे हम अर्थराइटिस बोलेंगे दोस्तों। और ये कई टाइप के पाए जाते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में कॉमनली ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड गाउट, ये मेनली तीनों देखने को ज़्यादा मिलते हैं दोस्तों। और आज के समय बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस दोस्तों उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है जो लोग ओल्ड एज ग्रुप में हो, साथ ही साथ जिनका वेट बहुत अधिक हो, और साथ ही साथ उन पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है जो स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं, जो लोग अपने जॉइंट्स में ज़्यादा स्ट्रेन देते हैं या ज़्यादा एक्सर्शन लेते हैं, उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है दोस्तों। इसमें होता क्या है, हमारी हड्डियों में जो जोड़ रहती है उसमें हड्डी के ऊपर जो कार्टिलेज की परत रहती है वो कमज़ोर होने लगती है ज़्यादा एक्सर्शन या स्ट्रेन लेने की वजह से। परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमारी जो सरफेस रहती है वो खुरदुरी या रफ हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्टिफनेस आने लगती है, कई बार सूजन हो जाती है, रेडनेस, स्वेलिंग ये सब दिखने लगता है दोस्तों। और पेशेंट को चलने के टाइम में बहुत सीवियर पेन होता है, जिसकी वजह से हमको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हमारे ज़्यादातर वेट बियरिंग जॉइंट्स में ज़्यादा देखने को मिलेगी दोस्तों, जैसे कि है हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, इनमें हमको ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये बहुत ही कॉमन है और कॉमनली ज़्यादातर लोगों को ये देखने को मिलता है। ये क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है दोस्तों, इसमें पेशेंट को सूजन, इन्फ्लामेशन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसके सारे सिम्टम ऑस्टियोआर्थराइटिस से सिमिलर ही रहेंगे, लेकिन हम इसके सिम्टम को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोस्तों। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपको कहीं भी और किसी भी जॉइंट्स में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में अगर पेशेंट आपको कंप्लेंट कर रहा हो कि उसके राइट नी में पेन हो रहा था, दर्द है, सूजन है, तो उसको लेफ्ट नी में भी कुछ समय बाद दर्द, सूजन और पेन चालू हो जाएगा दोस्तों। और इस तरह से उसके सारे जॉइंट्स में धीरे धीरे करके अफेक्ट करने लगेगा। अगर आपको ऐसे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं दोस्तों कि पहले आपके दाएं पैर में घुटने में दर्द था, अब बाएं पैर के घुटने में दर्द चालू हो गया है, तो आप समझ जाइए कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है दोस्तों। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को दोस्तों हम टेस्ट के जरिए पता कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट है, आर ए फैक्टर, इसका स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट है जिससे कि हमको पता चल जाएगा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है कि नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों इसके हम सी रिएक्टिव प्रोटीन के जरिए जाँच कर सकते हैं, एक्सरे करा करके हम देख सकते हैं कि कितना डैमेज हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों हम सेकेंडरी MRI या CT स्कैन भी, ये टेस्ट भी हम कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे स्कैनिंग टेस्ट होते हैं दोस्तों, जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों गाउट। ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहता है दोस्तों, और ये तब होता है जब हमारे बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और ये जाके हमारे जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से हमको गाउट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है दोस्तों। और इसमें पेशेंट को बहुत ही सीवियर पेन होता है, और स्पेशली दोस्तों ये स्मॉल जॉइंट्स में ज़्यादा अफेक्ट करता है, जैसे कि हाथों की उंगलियों में हो या पैरों की उंगलियों में हो, कई बार नी जॉइंट्स में भी हमको ये देखने को मिलता है। और इसमें पेन इतना सेंसिटिव रहता है दोस्तों कि पेशेंट अपने हाथ को मूवमेंट नहीं कर पाता है या पैर में मूवमेंट करता है, तो उसको सीवियर पेन होता है दोस्तों। साथ ही साथ अगर हम उसके जॉइंट्स को टच भी करेंगे तो पेशेंट को बहुत ही सीवियर पेन होता है, वहाँ पर रेडनेस हमको देखने को मिलेगी, साथ ही साथ सूजन रहेगा, और कई बार हम टच करेंगे तो वहाँ पर हमको हल्का हल्का सा गर्म सा महसूस भी होने लगेगा दोस्तों। तो ये बहुत ही सीवियर और पेनफुल कंडीशन रहती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम आर्थराइटिस के लिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। तो इसके लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है दोस्तों, एक है डाइल्यूशन कॉम्बिनेशन और एक है दोस्तों मदर टिंचर कॉम्बिनेशन। तो आज हम सिर्फ डाइल्यूशन कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे दोस्तों।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मदर टीचर कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगी, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों। और ये दोनों कॉम्बिनेशन दोस्तों, चाहे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या गाउट हो, किसी भी प्रकार के आर्थराइटिस हो दोस्तों, या जोड़ों में दर्द हो, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है दोस्तों। सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों रसटॉक्स। रसटॉक्स टॉप ग्रेड मेडिसिन है दोस्तों हमारे होम्योपैथी में जॉइंट पेन के लिए, जिसे हम पेन किलर भी कहते हैं दोस्तों। और ये उस कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क करती है जब ठंडी ठंडी हवाएं ज़्यादा चल रही हों, या ठंडी का मौसम हो, या बरसात का मौसम हो, और पेशेंट को जोड़ों की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है दोस्तों। पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि वो बैठा है, और बैठे रहने के बाद जैसे ही वो खड़ा होता है तो उसको एकदम सीवियर पेन होता है दोस्तों, और वो खड़े होने में उसको बहुत तकलीफ़ होती है और बहुत पेन होता है। और जैसे जैसे पेशेंट धीरे धीरे चलने लगता है तो उसका दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर पेशेंट ये सिम्टम आपको बता रहा है तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कॉल्चिकम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है दोस्तों, अगर आपको जॉइंट्स पेन हो तो। पेशेंट को बहुत ही सीवियर पेन होता है दोस्तों, और कैन नॉट टच टॉलरेट, यानी आप पेशेंट अपने जॉइंट्स को टच भी नहीं करने देना चाहता है किसी को। अगर कोई टच भी कर देता है तो पेशेंट को बहुत ही सीवियर पेन होने लगता है। साथ ही साथ अगर आपको वार्म वेदर हो या गर्मी के मौसम में अगर तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ती हो तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है दोस्तों। और पेशेंट को वहाँ पर रेडनेस, स्वेलिंग और स्टिफनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये कॉल्चिकम मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों लीडम्पाल। ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों, और ये स्पेशली स्मॉल जॉइंट्स में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर आपकी उंगलियों के जॉइंट्स हो या पैरों की उंगलियों के जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, स्टिफनेस और दर्द, सूजन ये सब देखने को मिले तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है दोस्तों। पेशेंट को रात में सोने के टाइम बहुत ज़्यादा दर्द होता हो, साथ ही साथ अगर उसको ठंडे पानी से आराम मिलता हो, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है दोस्तों। और पेशेंट में ये सिम्टम दोस्तों नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते दिखे हमको, या दर्द नीचे से ऊपर की ओर ज़्यादा दिखने को मिले, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों रूटा। रूटा 6CH पोटेंसी में दोस्तों, ये मेडिसिन भी बहुत ही इफेक्टिव है। अगर ठंडी के सीज़न में हो, या ठंड बढ़ने के कारण पेशेंट को जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता हो, साथ ही साथ उसको आराम रब करने से आराम मिलता हो, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों APM ग्रेव 6CH पोटेंसी में। ये मेडिसिन भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है दोस्तों। इसमें पेशेंट को टच करने से बहुत ही पेन होता है, साथ ही साथ इसमें ग्रोइंग टाइप पेन रहेगा पेशेंट को टच करने से, और सीवियरिटी ऑफ पेन बहुत ही ज़्यादा हमको देखने को मिलेगा, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करेगी दोस्तों। तो चलिए हम जानते हैं इस डाइल्यूशन को बनाना कैसे है। आपको 100 ml का खाली बॉटल लेना है दोस्तों, और इसमें पाँचों डाइल्यूशन को इक्वल क्वान्टिटी में लेकर के एक मिक्सचर तैयार करना है। और साथ ही साथ आपको इसको लेना कैसे है दोस्तों, अगर आपका पेन एकदम सीवियर कंडीशन में हो तो आप इसको 2-2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग में हर एक घंटे के अंतराल में ले सकते हैं दोस्तों। और अगर आपका पेन जॉइंट पेन बहुत ही क्रॉनिक हो चुका हो तो 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और रात में ले सकते हैं दोस्तों। ये तो हो गया दोस्तों होम्योपैथी कॉम्बिनेशन के बारे में। अब हम जानते हैं कि जिनको जॉइंट्स पेन हो तो उनको साथ में क्या करना चाहिए। आप जॉइंट पेन हो तो दोस्तों गर्म पानी के साथ सिकाई कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर होम्योपैथी मेडिसिन के साथ अगर आप फिजियोथेरेपी लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और जॉइंट पेन मेनली दोस्तों वेट अधिक होने की वजह से भी होता है, तो हो सके तो अपने बॉडी वेट को मेंटेन रखें, एक्सरसाइज करें, पानी खूब पिएं और हेल्दी डाइट लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये सब ज़्यादा लें दोस्तों। तो ये थे दोस्तों होम्योपैथी डाइल्यूशन कॉम्बिनेशन और होम्योपैथी ट्रीटमेंट जोड़ों के दर्द के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों मदर टिंचर कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि इसके साथ आप लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो मैं आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, थैंक यू।